हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम। और ये वीडियो हमारी क्लास 11th के लिए है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि चैप्टर हमारा चला हुआ था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपने मेरी पिछली क्लास में भी देखा था कि जो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी उसमें ये था कि केमिस्ट्री इज द दैट ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द मैटर एंड द लॉज हु गवर्न द चेंजेस ऑफ मैटर वन इनटू द अनदर। तो जो आपके वो लॉज थे जो रिस्पॉन्सिबल थे डिफरेंट चेंजेस के लिए, वो कहलाते हैं हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपने 9th क्लास के अंदर भी दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम यहाँ पर उससे आगे का देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन लॉ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री उन्होंने 1789 के अंदर एंटोनी लेवाज़ायर ने ये लॉ दिया था। और इसके बेस पर बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किए थे। इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो यही है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि कोई भी मैटर हो उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें, इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का जो मास होगा वो रिएक्टेंट्स के बिल्कुल इक्वल होगा। और बहुत सारे एंटोनी लेवाज़ायर ने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट में पाया कि जितना मास उन्होंने रिएक्टेंट का लिया था प्रोडक्ट का मास भी उतना ही निकल के आता है। तो थोड़ा भी मास ऊपर नीचे नहीं होता। तो बेसिकली मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। तो ये दूसरे लॉ की अगर बात करें तो आपका सेकंड लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जोसेफ प्रॉस्ट ने ये लॉ प्रोवाइड कराया था एक्चुअली, और इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, सेम काइंड ऑफ द एटम। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर H2O की, तो H2O के अंदर कहीं का भी वाटर हो उसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। और उनके अगर मास के प्रोपोर्शंस की बात करें तो हाइड्रोजन का मास H2O के अंदर 2 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसको कट करेंगे तो आपका रेशो आएगा 1:8। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन दो एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, और उनका जो मास का फिक्स प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है 1:8। अब अगर हम कोई भी सैंपल लें, H2O, रेन वाटर लें, सी वाटर लें या ग्राउंड वाटर लें, या उसको मैन्युफैक्चर करें हम सिंथेटिक वाटर को लैब के अंदर, तो उसके अगर हम एटम्स की बात करें और उसके एटम्स के मास प्रोपोर्शन की बात करें तो वो हमेशा सेम आते हैं। तो सभी जगह यही लॉ किया जाता है, एप्लीकेबल है। जो आपके प्रॉस्ट थे उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने एक सैंपल नेचुरल ओरिजिन से लिया और दूसरा सिंथेटिक लैब में बनाया हुआ लिया, और उसके अंदर जो आपके ये दरअसल फार्मूला होता है CuCO3, इसके अंदर तीन एटम है कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन। तो उन्होंने उन तीनों के सैंपल को, दोनों सैंपल में परसेंटेज को निकाला तो वो बिल्कुल सेम आया था। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी है इस चीज़ को समझने के लिए। लेट्स आगे बढ़ते हैं। इसको लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डॉल्टन ने ये 1803 के अंदर दिया था, और इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है, इफ़ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मासेस ऑफ द वन एलिमेंट कैन कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो वो दो रिएक्शन यहाँ पर दिखाते हैं, एक के अंदर वो वाटर बनाता है, दूसरे के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। तो दोनों सेम एलिमेंट बनाते हैं ये। तो पहले रिएक्शन में अगर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वाटर में देखें तो हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 18 ग्राम वाटर बनेगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक दूसरा कंपाउंड है इन दो सेम एलिमेंट्स का, तो हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन यहाँ पर 32 ग्राम ली हुई, तब जाकर आपकी 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगी। तो ये लॉ वो है, वो ये कहता है कि दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन या तो सेम होंगे फिक्स्ड होंगे या फिर एक दूसरे के मल्टीपल प्रोपोर्शन में होंगे, जैसे 16:1 = 16, 16:2 = 32। तो इनके रेशो की बात करें तो वो भी यही कहानी बयां करता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद आपका नंबर 4 लॉ अगर है उसके बारे में हम देखें, तो नंबर 4 आपका लॉ है गैलुसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम।
तो गेल उसॉक नाम के साइंटिस्ट ने 1808 के अंदर दिया था, और उन्होंने बताया कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब दो गैसेज आपस में कंबाइंड होती हैं और या प्रोड्यूस होती हैं केमिकल रिएक्शन में, तो उनके जो वॉल्यूम होंगे वो सिंपल रेशो में होंगे। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल सा आपका थ्योरी है गैल उसॉक लॉ की, लेकिन ये इतना कोई ज़्यादा चला नहीं, बल्कि इसके बिहाफ पर एवोगैड्रो लॉ ज़्यादा यूज़ किया जाता है साइंटिस्ट द्वारा। और एवोगैड्रो लॉ के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने बताया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 11 एलिमेंटल गैसेज हैं और बहुत सारी गैसेज ऐसी हैं जो सिंथेटिक हैं, जो बनाई जाती हैं दो या दो से कंबाइंड होकर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिया हो गई। तो अगर हम उनके गैस वॉल्यूम की बात करें तो जितनी भी गैसेज हैं उनके एक लीटर वॉल्यूम में हमेशा एक फिक्सड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। बेसिकली ये वो वैल्यू होती है 0.6022×10³। अगर हम हाइड्रोजन के एक लीटर वॉल्यूम में देखें तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन लें तो इतने ही होंगे, और किसी भी दूसरी गैस का अगर हम एक वॉल्यूम लें एक लीटर फिक्सड वॉल्यूम जितना हमने लिया यहाँ पर एक लीटर, तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ये एक कॉन्स्टेंट है, इसको एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे आने वाली फ्यूचर में भी ये बहुत एप्लीकेबल होती है वैल्यू। अब यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश की गई है, दो गैसेज हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो दोनों मिलकर दो वॉल्यूम बनाती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में भी आपका आ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं हम डाल्टन लॉ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए यजुर्वेद में सबसे पहले महर्षि कणाद नाम के एक साइंटिस्ट ने बता दिया था कि जो समस्त ब्रह्मांड है वो पदार्थ से मिलकर बना है, और जो पदार्थ है वो आपका बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं या कण कहते हैं। तो उन्होंने अपने नाम पर ही उनका नाम कण रखा, लेकिन वो इस चीज़ को किसी को बता नहीं पाए, वो यजुर्वेद में ही लिखी रह गई, इसलिए उनको इस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। सन 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने एक अपना नोट पब्लिश किया इन न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी के अंदर, और उसके अंदर जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, उसको दी। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का ये एक कंबाइंड रूप था। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में उन्होंने क्या बताया। उन्होंने सबसे पहले पोस्टुलेट के अंदर बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ सब इंडिविजिबल पार्टिकल या एटम्स, यानी कि जितना भी पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया है, जिनको एटम कहते हैं, जो इंडिविजिबल होते हैं। दूसरा, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास एट्सेट्रा। तो कोई भी सेम एलिमेंट के अगर हम एटम ले, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, शेप में, साइज में, मास में, एटॉमिक नंबर में, एट्सेट्रा। और जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनके अलग अलग होंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा हाइड्रोजन के एटम, अगर हम यहाँ पर आयरन के एटम्स देखें तो उनका साइज बड़ा होगा, आपस में तो आइडेंटिकल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही गैस के या एक ही एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आइडेंटिकल होंगे हर एक एस्पेक्ट में, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तीसरे पॉस्टुलेट की बात करें तो कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। ये जो पॉस्टुलेट है वो एक मॉडिफाइड रूप है आपका द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मॉडिफाइड रूप है बेसिकली, और ये चीज़ वही बताता है। तो ये चार पॉस्टुलेट्स हैं, तो ये आते हैं आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है, और किसी मॉलिक्यूल का मास आपका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। लेकिन केमिस्ट्री में हमने इसको क्या किया, किसी भी एलिमेंट के मास को कार्बन 12 आइसोटॉप से कंपेयर करके हमने यहाँ पर बताया है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन लाइटर एलिमेंट है, उसका मास 1 होता है बेसिकली, लेकिन अगर हम उसको कार्बन 12 आइसोटॉप से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास कार्बन 12 के मास का 1/12 होता है। तो इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें इस तरह से आप लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रीवियस वीडियो मैंने आपके ग्रुप में शेयर की है, उसमें आप
एक से लेकर 30 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक जितने भी एलिमेंट हैं उनको लर्न कर लीजिएगा, उनके एटॉमिक मास लर्न कर लीजिएगा, एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिएगा, उनके सिंबल्स लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एटॉमिक मास की यूनिट की बात करें तो हम इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU, ठीक है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। लेकिन आजकल मॉडिफाइड चीज़ें यूज़ की जा रही हैं तो हम इसकी जगह यू यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, यहाँ पर ये मेंशन भी है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। अब उसके बाद अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एटम के भार की या मास की बात करें तो उसको दो तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, एक तो आपका एटॉमिक मास होता है और दूसरा आपका होता है मास नंबर। तो बेसिकली दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, दोनों मास को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो मास होता है वो हमेशा होल नंबर में आता है, यानी कि कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता, और जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा फ्रैक्शनल होता है। जैसे हम हाइड्रोजन के मास की बात करें तो वैसे तो हम हाइड्रोजन का मास नंबर 1 कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर उसके एग्जैक्ट मास की बात करें हम तो वहाँ पर 1.008 आ जाएगा। तो मास नंबर आपको पता है, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम कहते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शनल क्यों होते हैं ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एलिमेंट होता है उसके अलग अलग तरह के आइसोटॉप्स अवेलेबल रहते हैं नेचर के अंदर, और आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो अगर हम उन आइसोटॉप्स की एबंडेंस के अकॉर्डिंग सभी आइसोटॉप्स के मास का एवरेज निकालें तो वो फ्रैक्शनल आ जाएगा। दैट्स वाई आपका जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शनल होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास को भी हम AMU से या यूनिफाइड से ही एक्सप्रेस करते हैं, और पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जितने भी कार्बन है, जितने भी एलिमेंट होंगे उनके मासेस का सम होता है मॉलिक्यूलर मास। जैसे CH4 की बात करें तो यहाँ पर कार्बन का मास 12 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है तो उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 + 4 आपका क्या हो जाएगा, 16 यूनिफाइड आपका मास हो जाएगा CH4 का। तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसने दिखाया हुआ भी है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब आगे इसने प्रॉब्लम में पूछा है कि ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल है, उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसको बताया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का निकालेंगे तो सबसे पहले कार्बन है, कार्बन का मास 12 होता है और 6 कार्बन प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, प्लस 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन का मास उसने 1.008 यूनिफाइड लिया, और 6 ऑक्सीजन है तो एक का 16 होता है, 6 का हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 72 + 12 + 96 इनको सम करेंगे तो 180 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है। अब बात करें फार्मूला मास की, तो फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों चीज़ें सेम है, दोनों की यूनिट भी सेम होती है, दोनों सेम चीज़ें बताती हैं, बस डिफरेंस इतना है कि आपके कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके टोटल एटम्स के मास के सम को हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl हो गया तो उसके मॉलिक्यूलर मास को बेसिकली हम फार्मूला मास ही कहते हैं, बस हम अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फार्मूला मास यूज़ करते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें सेम ही होती है। अब यहाँ पर इन्होंने निकाल कर दिखाया है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम होता है और आपका क्लोरीन होता है, सोडियम का मास 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 यूनिफाइड होता है, तो 58.5 आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको मॉलिक्यूलर मास ना कर क्या कहेंगे, इसको सिर्फ हम फार्मूला मास कहेंगे। तो आज हम इतना ही देखने वाले हैं, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद तक इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्लास 11th की एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर क्लास 11th की बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को लेकर आता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।